बिस्मिल्ल रन रही असलकम डियर स्टूडेंट्स माई अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड सेवन टूडे आर टॉपिक इज़ फाइनेंशियल अरिथमेटिक स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सेवन ए के कुछ क्वेश्चनस किए थे जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए वो आप लोग एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स डिस्काउंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क् प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस क्या होती है जो किसी भी आर्टिकल पे प्रिंट होती है उसे हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं अब उस मार्क्ड प्राइस में जो रिड्यूस की जाती है प्राइस उसे हम डिस्काउंट कहते हैं तो नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल सेल किया जाता है तो जब डिस्काउंट की बात होगी तो मार्क प्राइस में से उस डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस करेंगे तो नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी और अगर हमने डिस्काउंट फाइंड करना है तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो डिस्काउंट तो आ जाएगा जैसे ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट माइनस हो रहा है मार्क्ट प्राइस में से डिस्काउंट को लेफ्ट साइड पे ले आए पॉजिटिव हो गया और नेट सेलिंग प्राइस राइट right साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी और अगर डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी हो तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट जैसे स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे इसी तरह डिस्काउंट डिपेंड करते हैं मार्क्ड प्राइस पे क्योंकि जो प्राइस आर्टिकल पे प्रिंट होगी उस प्राइस पे डिस्काउंट होना है तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के लिए हम प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करते थे कॉस्ट प्राइस पे अब डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट को हम हमेशा डिवाइड करेंगे मार्क्ड प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर देंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगी अब इन्हीं चीजों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल एट है बुक की द मार्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुप हंड्रेड इफ इट इज सोल्ड एटकाउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस अब क्वेश्चन में हमें मार्ट प्राइस गिवन है कि आर्टिकल पे जो प्राइस प्रिंट हुई हुई है वो फाइव हंड्रेड रुपीज है अगर इसको 25% डिस्काउंट पे सेल किया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी ये हमने बतानी है तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमें मार्क प्राइस गिवन है मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज फाइव अब डिस्काउंट फाइंड करना है अभी हमने पढ़ा है डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन मार्क प्राइस तो 25% परसेंट डिस्काउंट है 25 परसेंट ऑफ मार्क प्राइस फाइंड करेंगे 25 फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड परसेंटेज ख़त्म की हंड्रेड से डिवाइड किया ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन और मार्क प्राइस फाइव हंड्रेड है इसको सिम्प्लीफाई करें तो ये डिनोमिनेटर में दो जीरोज हैं ये न्यूमिनेटर में दोनों कैंसल हो गए तो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव तो डिस्काउंट की वैल्यू रुपीस वन ट्वेंटी फाइव आ जाएगी तो नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं इसको मज़ीद साल्व करने के लिए स्टूडेंट्स अब हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया रुपीज वन ट्वेंटी फाइव नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है रुपीज फाइव हंड्रेड डिस्काउंट हमने अभी फाइंड किया रुपीज वन ट्वेंटी फाइव तो फाइव हंड्रेड में से वन ट्वेंटी फाइव को माइनस कर दें तो नेट सेलिंग प्राइस निकल आई रुपीस थ्री सेवेंटी फाइव यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी अब नेक्स्ट एग्जांपल नाइन देखेंगे जरीना बॉट अ हैंडबैग बैग एट रुपीज एटीन हंड्रेड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट जरीना ने एक हैंडबैग बैग खरीदा उस हैंडबैग पे जो प्राइस मार्क थी वो एटीन हंड्रेड थी लेकिन उसने जो हैंडबैग खरीदा है उस पर उसे टेन डिस्काउंट मिला तो हाउ मच डिड जरीना पे फॉर द हैंड बैग जरीना ने हैंड बैग के लिए कितनी अमाउंट पे की ये हमने बताने है। अब इसके सोल्यूशन में मार्ट प्राइस चूं हमें गिवन है तो मार्ट प्राइस ऑफ हैंड बैग इज इक्वल टू रुपीज एटीन हंड्रेड लिखा डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है टेन परसेंट तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्योंकि डिस्काउंट डिपेंड करता है मार्क्ट प्राइस पे तो टेन परसेंट ऑफ मार्क्ट प्राइस फाइंड करेंगे परसेंटेज ख़त्म करने के लिए टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन मार्क प्राइस एटीन हंड्रेड आ जाएगा अब इसकी भी कटिंग हो रही है ये दो ज़ीरो दो जीरो कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है तो टेन मल्टीप्लाई बाय एटीन इसको मल्टीप्लाई करें तो डिस्काउंट की अमाउंट आ गई रुपीस वन एटी इट मीन्स के जरीना ने वन एटी रुपीज डिस्काउंट के साथ हैंड बैग परचेज किया है तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगी जो मार्क्ट प्राइस थी उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो रुपीज सिक्सटीन ट्वेंटी सेलिंग प्राइस जरीना है। पेड रुपीज सिक्सटीन ट्वेंटी फॉर हैंड बैग नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल टेन करेंगे अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट ट्वेंटी परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस एक शॉप कीपर ने अपनी गुड्स पे जो प्राइस मार्क की हुई है वो कॉस्ट प्राइस से ट्वेंटी परसेंट अबव मार्क की है इफ ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट अगर उसने अपने कस्टमर्स को टेन परसेंट डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसके प्रॉफिट की परसेंटेज हम फाइंड करेंगे अब स्टूडेंट्स यहां पे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है इसलिए कॉस्ट प्राइस को हमने लेट कर लेना है लेट एक्स बी कॉस्ट प्राइस अब जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ट्वेंटी परसेंट मार्क की गई है तो सबसे पहले ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे ट्वेंटी बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय एक्स है कॉस्ट प्राइस अब इसकी कटिंग हो रही है ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया टू वन 2 टू टू फाइव टेन तो वन मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स ओवर फाइव तो ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस निकल आया अब इसको हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगी तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस एक्स लेट की हुई थी प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स हमने फाइंड किया है एक्स ओवर फाइव इसको ऐड कर देंगे अब चूंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ये फ्रैक्शन है प्लस का साइन है तो एलसीएम फाइव आ जाएगा एक्स का डिनोमिनेटर वन है फाइव को वन पे डिवाइड करें तो रिजल्ट फाइव आएगा फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स फाइव एक्स आ गया प्लस फाइव को सेकेंड डिनोमिनेटर फाइव पे डिवाइड किया तो रिजल्ट वन आएगा वन मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में एड करें तो फाइव एक्स प्लस फाइव ये हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ गई अब डिस्काउंट की बात करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है कस्टमर को उसने टेन परसेंट डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट परसेंटेज टेन परसेंट है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टेन परसेंट ऑफ price. प्राइस price प्राइस हमने अभी फाइंड की है सिक्स एक्स ओवर फाइव तो टेन परसेंट परसेंट को खत्म करने के लिए टेन ओवर हंड्रेड ऑफ मीन मल्टीप्लीकेशन marked प्राइस सिक्स एक्स ओवर फाइव पुट कर दी अब इसकी कटिंग करेंगे फाइव वन 5 फाइव फाइव टू जार टेन ये कटिंग हो गई देन टू वन जार टू एंड टू फाइव टेन टू जीरो फिफ्टी के टेबल में आ गया हंड्रेड उसके बाद टू थ्री सिक्स और फिफ्टी की कटिंग करें टू से तो ट्वेंटी फाइव बात जाएगा तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी थ्री एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव अब नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने स्टार्ट में पढ़ा है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट मार्क प्राइस की वैल्यू हमारे पास सिक्स एक्स ओवर फाइव है माइनस डिस्काउंट हमने ये फाइंड किया है थ्री एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव इसको माइनस करेंगे और ये माइनस करने के लिए अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स अब मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया सिक्स एक्स ओवर फाइव माइनस थ्री एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव अब दोनों फ्रैक्शन के दरमियान माइनस का साइन है एलसीएम लेंगे फाइव और ट्वेंटी फाइव का एलसीएम ट्वेंटी फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव को डिनोमिनेटर फाइव पर डिवाइड किया तो रिजल्ट फाइव आएगा फाइव को सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया तो थर्टी एक्स आ गया माइनस ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी फाइव पर डिवाइड करें तो रिजल्ट वन आएगा वन मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स थ्री एक्स आ गया अब थर्टी एक्स माइनस थ्री एक्स करें तो ट्वेंटी सेवन एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई अब सेलिंग प्राइस जब हमने निकाल ली तो प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में निकालने को कहा है उसने तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अब सेलिंग प्राइस है 27x ओवर 25 कॉस्ट प्राइस हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट की है x अब इसका भी एलसीएम लेंगे 25 एलसीएम आ जाएगा 25 को 25 पर डिवाइड किया तो रिजल्ट 1 आया 1 27x 27x आ गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वन है तो ट्वेंटी फाइव को वन पर डिवाइड करें तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई एक्स ट्वेंटी फाइव एक्स आ गया अब ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स को सिंप्लीफाई करें तो प्रॉफिट आ जाएगा टू एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव अब प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था प्रफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट तो ये फॉर्मूला लिखा प्रॉफिट टू एक्स ओवर ट्वेंटी फाइव है डिवाइडेड बाय ये मैंने साइन डिवाइड का लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शन थी ताकि आपको सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है एक्स तो कॉस्ट प्राइस की जगह एक्स लगा दिया मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसी हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर में वन है तो वन ओवर एक्स इसका रेसी आ गया मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एज इट इज़ आ जाएगा अब ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कटिंग हो गई देन ट्वेंटी फाइव की कटिंग होगी हंड्रेड के साथ ट्वेंटी फाइव फोर्ज आर हंड्रेड अब डिनोमिनेटर में तो वन रह गया है न्यूमिनेटर में देखें फोर है और ये टू है फोर मल्टीप्लाई बाय टू करें तो एट परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज निकल आई तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्काउंट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स समझी उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ आ गई होंगी इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज